हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के ऐसे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर गाइस फ़ोन में कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देता है, नॉट इनफ स्टोरेज स्पेस टू इंस्टॉल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। जब भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं या फिर गेम इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसी वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए और ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं जब स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और अगर कहीं जब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में यहाँ पर जो भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं इसको आपको देख लेना है। तो इसे देखने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली सेटिंग जाना होगा। सेटिंग जाने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मैनेजर या फिर ऐप्स मिल कर आता है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको फेसबुक यहाँ पर तलाश करना है। फेसबुक सबसे ज़्यादा डेटा लेता है गाइस, तो यहाँ पर आपको फेसबुक में जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने डिसेबल कर दिया गाइस। पहले ही अगर यहाँ पर यूज़ करते हैं अब तो यहाँ पर GB में तक चले जाता है गाइस। जो भी एप्लीकेशन है फेसबुक वगैरह, इसके अंदर जाने के बाद स्टोर में जाकर यहाँ पर आप क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप बैक आ जाइए। बैक आकर यहाँ पर जो भी बड़े बड़े एप्लीकेशन जैसे कि फ्री फायर वगैरह, तो यहाँ पर आप क्लियर कैच कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटल ग्राउंड इंडिया यहाँ पर 3 GB का है। यहाँ पर मैं स्टोरेज में जाता हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं कैच 2 MB। अगर आप क्लियर डाटा करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा पूरा डाटा। तो आप क्लियर डाटा मत कीजिए। जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं कर रहे आप उसका क्लियर डाटा कर दीजिए या फिर इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, क्रोम में भी जा आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोरेज में जाकर क्लियर कैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 432 MB था, यहाँ पर कैच करने के बाद पूरा चला गया है, जिससे आपकी यहाँ पर मेमोरी यहाँ पर फ्री हो जाएगी, जिससे यहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं बताएगा। अगर किसी प्रॉब्लम बताता है तो यहाँ पर आप नीचे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टा पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लिए थैंक यू वेरी मच।